कृष्णा युवा मंडल भगेटू के सौजन्य से गांव पांडवी में इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उगली स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता शक्ति चंद ने शिरकत की। उन्होंने लोगों को जागरूक किया और बताया कि जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता है। हम स्वच्छ वायु तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हम सभी लोग वायु को स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान दें। अगर वायु स्वच्छ नहीं है तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कान, आंख, गला, त्वचा व फेफड़ों के रोग होते हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें साफ सफाई और वातावरण को साफ रखना होगा, इसमें ही हम सब की भलाई है। कार्यक्रम में कृष्णा युवा मंडल भगेटू के सचिव व स्वयंसेवी राजन कुमार और उनके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुनीता देवी, आशा वर्कर रेखा देवी, आशा देवी, शीला देवी, सीमा देवी, प्रोमिला देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजना देवी, भोला देवी भी मौजूद रही और सभी ने अपना सहयोग दिया। इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई प्रोग्राम्स गांव पांडवी में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में लोगों को यह बताया गया कि हमें जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें वायु वातावरण को शुद्ध रखना है। हम ये तभी संभव हो सकता है कि हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि अगर वायु स्वस्थ नहीं है तो हमारे को कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि फेफड़ों की बीमारी, आंख, कान, गला व त्वचा में कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें स्वच्छ वायु को ग्रहण करना है।